कि ये सदन अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित पांच अगस्त हिंदुस्तान की जमहूरियत का सबसे काला तरीन दिन है, जब यहाँ की पार्लियामेंट में चोरों की तरह जम्मू कश्मीर के लोगों से वो सब कुछ छीन लिया गया जो उन्हें इसी पार्लियामेंट ने दिया था। कई दिनों से यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद को ये कह के बढ़ाया गया कि अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से अटैक होने वाला है। इतना बड़ा मुल्क और एक छोटी सी मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट से डर गया और कश्मीर को एक खुली जेल बना दिया ताकि कोई भी इस नाजायज फैसले के खिलाफ आवाज ना उठाए। हिंदुस्तान के साथ हमारा इलाक एक बाइज्जत मुआहदा था जिसको आज खुद ही मरकजी सरकार ने इसराइल की तरह एक नाजायज कब्जे में बदल दिया। आज जम्मू कश्मीर के लोग ये सोचने के लिए मजबूर हैं कि हमारे लीडर्स ने पाकिस्तान को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का जो फैसला किया था वो शायद सही नहीं था, क्योंकि जिन शर्तों पे हमारे मुल्क के साथ मुआहदा हुआ था वो शर्तें आज हिंदुस्तान ने खुद ही तोड़ दी। माई आइडेंटिटी दैट आई एम अ कश्मीरी, माई कश्मीरियत दैट हैज बीन रूइंड, दैट हैज बीन मर्डर्ड इन द पार्लियामेंट, इन द डे लाइट ऑफ पार्लियामेंट, ब्रूटली मर्डर्ड। प्रेस द बेल आइकन ऑन यूट्यूब एंड डोंट मिस अनदर अपडेट। सत्तर पर फैसला आने के बाद मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है और यहाँ कई ऐसे कश्मीरी भी मौजूद हैं जो अपने घर पर अभी तक बात नहीं कर पाए हैं। पूरा बंद है, देयर इज अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट। इवन जो असोर्स नंबर्स इन्होंने गवर्नमेंट ने जनरेट करे थे, जो सैटेलाइट नंबर्स भी इन्होंने वो ला दिए थे, वो भी नहीं, दे आर नॉट वर्किंग। मेरी फ्रेंड है जिसने लास्ट 11:30 अपने पेरेंट्स से कॉल करी थी, 50 आवर्स में वो 27 और 30 टाइम्स आफ्टर क्लास वो सिर्फ कॉल करती रहती है कि मे बी एक बार मेरी बात हो जाए। इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि 5 से 6 लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए इसे अपोज करने पहुंच गए। आप लोगों ने प्रोटेस्ट के खिलाफ ही प्रोटेस्ट निकाल दिया, ऐसा क्यों? इनका कोई मुद्दा नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बातें करते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये आज देश विरोधी नारे लगाने का इनका ट्रेडिशन रहा है बहुत पुराना। हम बहुत पीसफुल तरीके से, हमने कुछ नहीं किया, वहाँ से लोग आके हमारे ऊपर झगड़ने की भी कोशिश की उन्होंने, लेकिन हमने उसे इग्नोर किया। हम जितने लोग हैं यहाँ पर, हम बेहद देश प्रेमी लोग हैं। हम लोग सारे लोग ऐसे लोग हैं जो ऐसी राजनीति में विश्वास करते हैं जो सही को सही, गलत को गलत कहे, और सही के पक्ष में जो सही चीज है उसके पक्ष में हम पब्लिक को, जनता को खड़ा करेंगे। राष्ट्रपति ने ये कानून लागू किया है तो राष्ट्रपति के खिलाफ है, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो क्या देश के खिलाफ नहीं है? सरकार के का साथ ना देना का मतलब नहीं है कि हम देश का साथ नहीं दे रहे। अभी पूरी भारतीय जनता, कश्मीरी जनता खुश है, युवाओं को रोजगार मिलेगा, कश्मीर में डेवलपमेंट होगा, यहाँ से लोग पर्यटक जाएंगे। हमें डर लगता था वहाँ पर, जहाँ भी अभी रोजगार नहीं है वहाँ यूटी ही बना देना चाहिए। नहीं, जहाँ आतंक है, जहाँ कट्टरपन का माहौल फैला जा रहा है, जहाँ पे कश्मीर पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, जहाँ के युवा पत्थर उठा रहे हैं, वहाँ पे यूटी बनाया जाना चाहिए। विकास के जितने भी सूचकांक हैं उस सारे सूचकांक पर जम्मू कश्मीर देश के बाकी हिस्सों से, गुजरात से काफी आगे है। कि आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं आपको लगता है? SC ST के लिए तो SC ST आरक्षण भी स्पेशल प्रावधान है, संघ नहीं पसंद करती है उसको।
कल को वो रातों रात उठ करके SC ST आरक्षण को खत्म कर दें, तब आप कहाँ के रहेंगे? हर किसी ने एक मत में उसकी तारीफ की, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते थे, वहाँ की आप एक लेटर भी बहुत सर्कुलेट हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम बोर्ड है उस तक ने इसे सपोर्ट किया है कि लद्दाख को यूटी बनाना। लोग अगर चाहते हैं तो फिर उनको बंद क्यों कर दिया गया, उनको छोड़ दिया जाए? सर किसने बोला कल? आपने आप सर किसकी आप इनकी बातों में आएंगे या फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी जारी करेगी उसकी? उन्होंने साफ कहा कल मिश्रा ने कि हमने उनको कोई अरेस्ट या फिर हाउस अरेस्ट नहीं किया है। 144 तो लगी हुई है ना सर? बिल्कुल, जब देखिए कुछ इन जैसे लोग हर जगह होते हैं, वो वहाँ पे भी करेंगे, पुलिस यहाँ पे खड़ी है प्रोटेक्शन के लिए। आप उनके तमाम अधिकारों को छीन करके उनके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कुछ तानाशाही माता पिता अपनी बेटी की शादी किससे करेंगे, वो कहते हैं हम ही तय करेंगे नहीं तो जिंदा जला देंगे। 370 हटाया गया है, पर बहुत लोगों का ये आर्गुमेंट है कि वो तो पहले ही डाइल्यूट हो चुका था बहुत ज्यादा। The way these things are being brought about without any sort of discussion, without anything, एकदम अपर हैंड करके, आज कश्मीर पे हुआ है, कल किसी और स्टेट पे होगा। बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि उनका कोई व्यावहारिक अर्थ है कि नहीं। उन सिंबल्स से लोग अपना जुड़ाव महसूस करते हैं राष्ट्र से, तो 370 एक तरह का प्रतीक था। ये सोशल मीडिया पे ये भी काफी चल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम कश्मीरी लड़कियों से शादी कर पाएंगे, इस तरह के काफी सारे पोस्ट जो चल रहे हैं, उस मतलब ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब क्या है? आपको लग रहा है कि अब मेरा अधिकार हो गया मैं किसी कश्मीरी लड़की पे, ये कब्जे? Now the national flag was unfurled at the civil secretariat in Srinagar just days after Article 370 was abrogated. Which means that the secretariat and subsequently all government buildings in the newly carved union territory will no longer unfurl the flag of Jammu and Kashmir. It's been 3 weeks since Article 370 was abrogated, and one of the features that the article contained was that there would be two flags, one the state flag and two the national tricolor. Now since yesterday there's only one flag which is flying from the civil secretariat where the governance is being run from. Clearly the state flag of erstwhile Jammu and Kashmir state has now been taken away, and you will clearly see that only the tricolor is now flying. Since yesterday the state flag has been taken away. This flag was there since last 67 years. From 1952 there were two flags, the tricolor and the state flag, which flew together. But yesterday the state government decided that they're going to take out the flag of the erstwhile Jammu and Kashmir state. Well, one of the first visible signs of that change, or as the Prime Minister called it, a Naya Kashmir, was that only now the national flag will be unfurled on the civil secretariat. Well, that's all we have time for with me right over here. News will continue, but do log on to news18.com as well.